अवाम बरसों से महंगाई की आग में तो जलते आ रहे हैं, अब इसकी तपिश मुल्क की सियासी क़यादत भी महसूस कर रही है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि सिर्फ एक दूसरे पर तनकीदी वार करने के लिए, तनकीदी निश्तर बरसाने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, हुकूमत महंगाई के जिनको बोतल में बंद करने के जतन कर रही है, तो अपोजिशन जमातें इसको हुकूमत के खिलाफ खतरनाक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह भी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विफाक पर बरस पड़े और उनका ये कहना था कि महंगाई के हालात देखकर लगता है कि कम अज कम उजरत 25,000 रुपए से भी बढ़ाना होगी। हाँ जी, पीटीआई की हुकूमत पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि इस हुकूमत का काम हर चीज दूसरों पर डालना है, इनका हर काम झूठ पर मबनी है, इनको अपने अंदर खामियां नजर नहीं आती। वज़ीर-ए-आला सिंध ने क्या कहा, आपको वो सुना देते हैं। आटा लें, चीनी लें, अभी बिजली की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है, पेट्रोल की कीमतों में जो रोजाना इजाफा हो रहा है, उसके साथ साथ जो लोगों की वेजेस हैं या जो लोगों की रिसोर्सेज हैं उनमें खातरख्वाह इजाफा। ये थी वज़ीर-ए-आला सिंध की गुफ्तगू। जवाब देने के लिए कराची से पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेरज़मान जो हैं वो भी मैदान में आ गए हैं और उनका ये कहना है कि सिंध में दीगर सूबों से ज़्यादा गुरबत है। उनका ये भी कहना है कि शेख चिल्ली के लतीफ़े और मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई फ़र्क नहीं है। हाँ जी, वज़ीर-ए-आला सिंध बाजार जाएँ, मुर्गी दूध दीगर की कीमतें मालूम करें तो फिर उनको पता लग जाएगा। पीटीआई रहनुमा का कहना है कि सिंध में 75 रुपये फी किलो आटा भी फरोख्त किया जा रहा है जो कि बाकी सूबों से महंगा है। वज़ीर-ए-आला ज़रा बताएँ कि आखिरी प्राइस कंट्रोल का इजलास उन्होंने कब तलब किया था, जो कि सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेरज़मान साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम शेरज़मान साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इतना परेशान कर दिया है वफाक ने महंगाई से कि सिंध हुकूमत भी बहुत ज़्यादा परेशान है, मुराद अली शाह साहब भी कह रहे हैं कि जी के बड़ी परेशानी हो रही है महंगाई से, क्या कर दिया है सर आप लोगों ने? नहीं देखिए, अहमदा कुछ चीज़ों को हमने भी समझना है ना, आपने भी समझना है, मैंने भी समझना है और आवाम ने भी समझना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका ताल्लुक जो है वफाक से बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि मुर्गी हो गई, गोश्त हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, पीने का पानी हो गया, सब्जियां हो गई, ये वो चीज़ें हैं रोजाना खाई जाती हैं, आप भी उनसे खाते हैं, हम भी खाते हैं, इन तमाम चीज़ों की कीमतों का वफाक से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, जैसे कि कल मैंने एक अपने जानने वाले को कॉल किया और मैंने उनसे पूछा कि हम मुझे बताएं कि सब्जी मंडी में आलू और टमाटर का क्या रेट है, तो उन्होंने मुझे बताया कि आलू का रेट जो है वो सब्जी मंडी के अंदर 35 रुपए किलो है और टमाटर का रेट, क्योंकि टमाटर आजकल शॉर्ट हैं, ईरान से टमाटर नहीं आ रहे हैं, तो वो 100 रुपए किलो है। मैंने पूछा कि वही मालूम किया कि कराची में शहर के अंदर कितने के रेट हैं, तो पता चला कि 70 रुपए किलो जो है वो आलू है और 160 रुपए किलो जो है वो टमाटर है। तो जब मालूम किया कि भाई जब मंडी के अंदर यही चीज 35 रुपए और 100 रुपए है तो यहाँ पे 70 और 160 क्यों है, बोला कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, कहीं पर रेट लिस्ट नहीं लिखी होती है। एक कानून है कि हर जगह पे कमिश्नर की बताई हुई रेट लिस्ट जो है वो हर दुकान पे लगी होनी चाहिए। 55 रुपए रेट जो है वो आज की तारीख में आप अपने शो में कहीं पे पंजाब में पूछे 55 रुपए किलो आटा है और 75 रुपए किलो आटा जो है वो सुबह सिंध के अंदर मिल रहा है। देखिए, हो रहा यह है कि सिंध कोई पूछने वाला नहीं है और अपोजिशन ने एक तमाशा लगाया हुआ है महंगाई का, तो हर आदमी को मौका मिला हुआ है रेट बढ़ाने का, वो रेट बढ़ा रहा है, वो कमाई कर रहा है, जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है। तो क्या मुराद अली शाह की जिम्मेदारी नहीं है कि जो कमिश्नर के बताए हुए, कुर्रम साहब आवाम का नुकसान तो हो रहा है, हम देख रहे हैं कि आवाम जो इस वक्त मिला रहे हैं, लेकिन क्या सूबाई हुकूमतों को, विफाकी हुकूमतों को मिलके एक साथ काम नहीं करना चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके? क्योंकि एक दूसरे के ऊपर इसी तरह से जो नश्तर चलाए जाते रहेंगे, इल्जामात की बुछार की जाती रहेगी, तो आवाम तो पिसती रहेगी। क्या दोनों को खड़े होकर काम नहीं करना चाहिए? नहीं देखे, नहीं देखिए, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, पाकिस्तान के अंदर जो सियासत होती है, जो अमूनन प्रैक्टिस रही है, जिसमें जो सियासी जमाते हैं वो मुल्क की दुश्मनी तक आ जाते हैं, वो मुल्क से नफरत करने पे आ जाते हैं, उनका मकसद होता है उन्होंने कामयाब होना है। अपोजिशन का जो इस वक्त मकसद है ये है कि महंगाई का ड्रामा उनको मिला हुआ है, इसको जितना रचाओ, इस पर जितना शोर मचाओ उनको फायदा होगा, इस पर धरने करो, इस पर एहतजाज करो, ये कोशिश थोड़ी करेंगे। देखें, ये जिम्मेदारी पंजाब के चीफ मिनिस्टर की है कि जो रेट उनके कमिश्नर ने निकाला है लाहौर के अंदर, उस रेट के ऊपर लाहौर के अंदर वो आइटम बिकना चाहिए। इसी तरीके से सुबह सिंध में मुराद अली शाह की जिम्मेदारी है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी कि जो रेट उन्होंने निकाला है उस रेट पे गोश्त मुर्गी सब्जियां मिलनी चाहिए। लेकिन क्योंकि इनको नफरत है वफाकी हुकूमत से और ये चाहते हैं कि बदनामी हो,
ये जाके चेक ही नहीं करते, इनके कमिश्नर्स काम नहीं कर रहे, इनके डिप्टी कमिश्नर्स काम नहीं कर रहे, इनके इंस्पेक्टर्स काम नहीं कर रहे, उनका काम है जाके फाइन करें जो लोग महंगे रेट पे चीजें बेच रहे हैं, उनसे जाके पूछें। आसिफ अली जरदारी से पूछ लेना, सबसे ज्यादा शुगर मिल्स किसकी है सुबह से लेकर, ठीक है, अगर 25 शुगर मिल्स ये बताइएगा, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये सुबाई टॉपिक्स हैं, क्यों बेच रहे हैं वो, आप दुरुस्त कह रहे हैं सुबाई टॉपिक्स हैं ये, कि क्या आपने प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल रखी हैं या नहीं रखी हैं, आप मंडी वाली जो बात कर रहे हैं ये बातें दुरुस्त हैं, ये तमाम सूबों के अंदर हमें इन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से हम हालात देख रहे हैं, अगर पौने दो साल वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पूरा करती नजर आ रही है, तो सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी पूरे करते हुए फिलहाल नजर आ रही है, बल्कि ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। ऐसे हालात में जब सिंध हुकूमत ये कहती है कि जी कि हम तो ये सोच रहे हैं कि मजदूर की जो उजरत है उसको ही बढ़ा दिया जाए, और बहुत हालात ख़राब हो गए हैं और वफाक की वजह से हालात ख़राब हो गए हैं और ये हो गया वो हो गया, ऐसे में आप लोगों के पास क्या ऑप्शन रह जाती है कि अगर प्राइस कंट्रोल कमेटियां काम नहीं कर रही हैं तो किस तरह से सिंध हुकूमत पर प्रेशर डाला जाए कि ये तो आपकी कोताही है, आपकी कोताही की वजह से महंगाई आपके सूबे में ज़्यादा है। इन नलायकों से अब ये पूछें कि जो इन्होंने 25,000 रुपये मंथली की जो सैलरी रखी है क्या उसको इम्प्लीमेंट करा सकें, इनका सबसे बड़ा मसला ही इम्प्लीमेंटेशन है। ये वो हकूमत है जो अपनी 13 साल से हकूमत होते हुए इनके जो सरकारी डॉक्टर्स हैं उनको प्राइवेट प्रैक्टिस करने से रोक नहीं सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते हैं, कौन सी तनख्वाह इन्होंने इम्प्लीमेंट करवा दी, कौन सी ट्रेडर्स के ऊपर जाके करवा दी। देखें यहाँ पर सूरत हाल बहुत बुरी है, आप तो इन्फ्लेशन के ऊपर जो शो कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपका चैनल पिछले 2-3 महीनों से कर रहा होगा ना, 4 महीनों से कर रहा होगा, हम एग्री कर रहे हैं, हम उसका मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन सुबह सिंध में पीने का पानी आप खरीदते हैं, सुबह सिंध में गवर्नमेंट जो स्कूल है उसकी हालत आप जाके देख लें, मतलब पीने का पानी नहीं है, स्कूलों में तालीम नहीं है, अस्पतालों में इलाज नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, स्ट्रीट क्राइम है। हम तो कोई 4-4 दफा हुकूमतें नहीं कर चुके ना पाकिस्तान के अंदर, इमरान खान तो आज पहली दफा इक्तदार के अंदर आए, जब आया तो मुल्क तो आपका जो है वो डिफॉल्ट के ऊपर जा रहा था, वो सब चीजें हर कोई भूल गया है। आज इतने जो कर्जे चढ़े वो इमरान खान की वजह से तो नहीं चढ़े, इमरान खान तो पिछले 70 साल से पाकिस्तान को रूल नहीं कर रहा था, यही दो फैमिलीज थी जो रूल कर रही थी, तो सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर ऑल ऑफ अ सडन क्यों आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क फिर भी संभाला हुआ है, बेहतरी की तरफ जा रहा है, कोविड से निकले हम बाहर, पेट्रोल पाकिस्तान की जमीन से नहीं निकलता है, पेट्रोल बाहर से लिया जाता है, एलएनजी हमारी जमीनों से समंदर से नहीं निकल रही है, कतर से खरीदी जाती है। अगर इंटरनेशनली पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे, गैस के रेट बढ़ेंगे, तो हमारे पास कोई चॉइस बचती नहीं है, हम क्या करेंगे? आप बताएं क्या क्या अरबों डॉलर के जखायर जरदारी और नवाज शरीफ पाकिस्तान में हमारे लिए छोड़ के गया था, जो हमारे पास पड़ा हुआ बैंकों के अंदर, के हम सब्सिडीज दे के मुल्क को चला सकेंगे। सो बहुत आसान है तनकीद करना, ये सिर्फ सियासत कर रहे हैं, ये सियासत उस हद तक नफरत कर रहे हैं कि मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन देखें इमरान खान कहीं नहीं जा रहे हैं, उसके बाद अगले आने वाले 5 साल भी इमरान खान के ही हैं, ये ऐसी शक्लें निकाल के अपनी बैठे रहेंगे। पूरम साहब सिंध हुकूमत ने जो बढ़ते जाएंगे, ये वक्त भी गुजर जाएगा मुश्किल वक्त। पूरम साहब सिंध हुकूमत जिस तरह से कह रही है कि मजदूर की मजदूरी जो 25,000 कर दी जाए, अगर इस पर अमल दरामद हो जाता है और सिंध हुकूमत ऐसा कर देती है तो क्या विफाक पर और दूसरे सूबों पर प्रेशर बिल्ट नहीं हो जाएगा? क्या दीगर सूबे भी इस पर अमल दरामद कर सकेंगे, विफाक भी कर सकेगा? देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ 2500 ऑलरेडी है, उसको इम्प्लीमेंट तो कराएं पहले आप, फिर और बढ़ा देना, 2500 ऑलरेडी की हुई आपने। इनका मसला सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन का है, ये हर साल कहते हैं जब साल मुकम्मल होता है कि सिंध असेंबली ने सबसे ज्यादा कानून साजी की है। आप जानती हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा जो बिल्स के ऊपर, जो सबसे ज्यादा कानून के ऊपर जो नॉन इम्प्लीमेंटेशन है वो सिंध हुकूमत की तरफ से, ये तो कानून बना के सो जाते हैं, इनके कमिश्नर्स काम नहीं करते, इनके सेक्रेटरीज काम नहीं करते, इनका पूरा सूबा जो है वो भरा हुआ था जिन्होंने प्ली बार्गेन्स ली हुई थी, लोगों ने करप्शन करके पैसा जो है नैप को वापस करके बैठे हुए, इनका हशर क्या, इनका हाल क्या आपको पता नहीं, सिर्फ टीवी पे बैठ के बात करते हैं। ठीक है, लेकिन आपसे पहले कहा था 6 महीने के लिए इस सूबे में जो है 6 महीने के लिए इस सूबे में गवर्नर राज लगा देना चाहिए, इनका दिमाग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन वो आपके पार्टी के लोग ही कराची से ही नहीं मान रहे होते ना, वो जाके वजीर आजम साहब को कहते हैं नहीं जरूरत नहीं है, इसलिए ये 2 साल तो लग रहा है कि फिर आवाम को ज्यादा महंगाई में गुजारने पड़ेंगे। आपके मौकिफ के मुताबिक पीपल्स पार्टी को तो फायदा होगा कि वो महंगाई करती चली जाए अपने सूबे के अंदर और मलबा आप लोगों पर डालते चले जाए, आप लोगों को भी तो कोई इसके ऊपर हिकमत अमली बनानी पड़ेगी ना, अगर वो सिर्फ वफाक को बदनाम करने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं तो।
नहीं देखें, काम इसके ऊपर चल रहा है। वजीर आजम बड़ी तेजी से मीटिंग्स भी कर रहे हैं। आपके वालदेन को याद होगा, मेरे वालदेन को याद होगा कि एक जमाने में राशन कार्ड्स भी यहाँ पे हुआ करते थे और उन लोगों को बड़ी सब्सिडाइज रेट के ऊपर जो है वो आटा मिल जाया करता था, दालें मिल जाती थी। अब तो ये होता है अगर आप आटे पर सब्सिडी दें तो जो लोग कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो ब्रेड का बिजनेस कर रहे हैं, जो बंस का बिजनेस कर रहे हैं या जो बेकरी का बिजनेस कर रहे हैं, वो ज्यादा बेनिफिट उठा लेते हैं बनिस्बत उन गरीब लोगों से। सो इसलिए राशन कार्ड्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, लोगों को जो है वो फैसिलिटेट किया जा रहा है जी, उनको उनकी मदद की जा रही है। सो बड़ा ट्रिकी सिलसिला है सारा ये, लेकिन मैं ये समझता हूँ, जाती तौर पे मेरी अपनी राय है, ये पार्टी पॉलिसी नहीं, मैं समझता हूँ कि तकरीबन 1.5 से 2 महीने के अंदर, जिस तरह कल भी हमारी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर कंसर्न है और इसके ऊपर पॉलिसी लेकर आ रहे हैं पूरी, 1.5-2 महीने के अंदर ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये रहने वाला नहीं है हमेशा के लिए। कुछ चीज़ें जिनको आपने देखना है, देखें आप इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन का क्या रेट है। कल कैनेडा का मैं पढ़ रहा था कि 4% की इन्फ्लेशन जो है वो राइज करी है। उसके साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर कोविड के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं सारे, ये कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स में आपने देखा है कि पेट्रोल के रेट बढ़ गए। एयरलाइन आप देखें कि अगर आज आप दुबई जाते हैं तो 84,000 रुपीज़ की टिकट होगी, जो टिकट आपकी 24 से 25,000 रुपये की होती थी। एमिरेट्स की बात कर रहा हूँ, कोई इंटरनेशनल एयरलाइन हो। सो ये क्या हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान हमारा डॉलर भी कुछ डीवैल्यू हो गया ना, हमारा रुपया डीवैल्यू हो गया, डॉलर भी ऊपर चला गया, उसका भी थोड़े से असर आता है। दूसरी बात ये भी है कुरम साहब, अगर दूसरे ममालिक में महंगाई ज्यादा है तो नहीं हुआ ना, अगर दूसरे ममालिक में महंगाई ज्यादा है तो उनकी आमदन भी उसी हिसाब से है। हमारे मुल्क में आमदन देखी जाए तो आमदन भी नहीं है। मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ, इन तमाम मसाइल की जिम्मेदार तहरीके इंसाफ तो नहीं है ना, उन लोगों से सवाल किया जाए जिन्होंने। ठीक है फरम शेरजमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह पाकिस्तान से आप बात कर रहे हैं। मामला ये है कि सिंध हुकूमत की जानिब से पॉइंट स्कोरिंग हमेशा से होती रही है, अपोजिशन जो भी हो, खा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की गवर्नमेंट थी जब वो अपोजिशन में थी और पहले पीपल्स पार्टी की, फिर नून लीग की गवर्नमेंट थी, तो बातें इसी तरीके से की जाती हैं और मामले को हल की तरफ ले जाने की कोशिश नहीं होती, लेकिन उसको हवा देकर जरा आवामी जज्बात जो हैं उनको थोड़ा सा उभारना होता है और हुकूमत के खिलाफ करना होता है, तो वही एक सिलसिला हमें चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अल्टरनेट क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या आवाम के पास कोई अल्टरनेट मौजूद है या नहीं, और ऐसी क्या पॉलिसीज होनी चाहिए कि आवाम जो है वो थोड़ा सा सुख का सांस ले। आवाम भी इस वक्त कंफ्यूजन का शिकार है कि आखिर बाकी में अल्टरनेट है क्या, या उन्हें किस तरफ को जाना चाहिए, क्या करना चाहिए कि वो इस मंझधार से निकल सकें, इस जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है उससे निकल सकें। लेकिन आवाम जो है वो फिर बस नजरें लगा के बैठे हुए हैं, कभी इस सियासतदान के ऊपर तो कभी इसके ऊपर, कभी इस जमात के ऊपर तो कभी इस जमात के ऊपर, लेकिन कोई भी जमात उनके लिए कुछ कर नहीं पा रही। अभी तक जो है कुछ हालात इतने बेहतर नहीं हो पा रहे हैं आम आदमी के। खैर कुछ IT एक्सपोर्ट्स का जिक्र कर लेते हैं जिसमें जबरदस्त इजाफे का सिलसिला जारी है। रवा माली साल में जुलाई तथा सितंबर के दौरान IT के शोबे में बरामदात $635 मिलियन रही है। जी हाँ, यूं एक सहमाही में IT बरामदात 42.7% रही है। इस हकीकत से इनकार नहीं है कि मौजूदा हुकूमत के इकदाम के बायस पाकिस्तान की IT की बरामदात में मुसलसल इजाफे का रुझान देखा जा रहा है, मगर आलमी कर्जों के जाल में फंसे मुल्क के लिए इतना ही काफी नहीं है कि हुकूमत पहला कर्ज चुकाने की बजाय मजीद कर्ज के लिए सर तोड़ कोशिशें करने लगती है। बिल्कुल ऐसा ही है, और अभी तो गवर्नर स्टेट बैंक का जो बयान मतलब कि मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सामने आया है, और बड़े फख्र से बता रहे हैं कि IMF के साथ डील की खुशखबरी जल्द मिलेगी, और साथ वो ये भी बता रहे हैं कि जी मुल्क में जो महंगाई है उसका मवाजना अमरीका के साथ शुरू कर रहे हैं कि वहाँ पर इतनी महंगाई हुई और पिछले 30 साल में नहीं हुई है, ये सारी बातें की हैं। फिर उन्होंने डॉलर के हवाले से जो बात की है, रेमिटेंसेस के हवाले से बात की है कि कई लोगों को फ़ायदा भी तो हुआ है अगर रुपया डीवैल्यू हुआ है और जो है डॉलर की। अच्छा तो ये होता ना कि हमजा के वो साथ में ये भी बता देते कि हमारे वहाँ के और यहाँ में फ़र्क कितना है, हमारी जो हुकूमत है अपनी मौशी पॉलिसीज पर संजीदगी से असर नौ जायज़ा ले, ये भी ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त तक गुर्बत और महंगाई जो बेरोज़गारी है वो खत्म जब तक नहीं होगी तो आवाम का मयार जिंदगी हमें बेहतर होता हुआ नजर नहीं आएगा। बिल्कुल, अब IT एक्सपोर्ट्स के हवाले से हमने बात करनी है खास तौर पर, और उसके अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसीज का रोल कितना है ये भी जानना है, मजीद पोटेंशियल कितना है और अभी भी किन मुश्किल का सामना है। हमारे साथ मौजूद हैं पाशा के साबिक सदर बुरकान सईद साहब। बुरकान सईद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। IT एक्सपोर्ट्स के हवाले से आपसे गाहे बगाहे हम बात करते रहते हैं, ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं या फिर वैसे पाकिस्तान में रुझान इस तरफ है, और मज़ीद इजाफा क्या मुतवक्के है, आपको उम्मीद है?
जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। हम ये बात अक्सर करते रहते हैं कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप इस लाइक ऑयल, तो फॉर एग्जांपल आपके पास जितने लोग हैं, अगर आप 1 लाख लोग हैं, उनके आप उनकी सर्विसेज को आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपने कोई डॉलर इम्पोर्ट की मशीन इम्पोर्ट नहीं करनी, और वो सारा का सारा पैसा मुल्क यूज कर सकता है अपने कर्जे देने के लिए, क्योंकि एक्सपोर्टर को तो गवर्नमेंट PKR पाकिस्तानी रुपीज ही देती है। तो ये बड़ा बड़ा अच्छा सेक्टर है पाकिस्तान के मसाइल हल करने के लिए। इसके 2 फायदे हैं, एक तो ये हमारे डॉलर के मसले को भी हल कर सकता है, दूसरे ये हमारे यंग लोगों को एम्प्लॉय कर सकता है। और डेफिनेटली अगर हमारे पास आज 10 अरब डॉलर एक्स्ट्रा मुल्क के अंदर आ जाए, तो हमें किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं है, हमें अपने अवाम पर टैक्सेस भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक एडवांटेज है इस सेक्टर का, क्या कि इसलिए सिर्फ और सिर्फ नेट एक्सपोर्ट का सेक्टर है। आपने जो सवाल किया, खान साहब, अगर हम देखें तो कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की जो आईटी की फील्ड है या आईटी का शोबा है, वो बहुत ही हम उसमें तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारे पाकिस्तानी आईटी के तलबा हैं, वो डिग्री हासिल करते हैं, डॉक्टर्स हैं, बाकी शोबे भी हैं, लेकिन जो आईटी के स्पेशली स्टूडेंट्स हैं, वो डिग्री हासिल करने के बाद मुल्क से बाहर चले जाते हैं, जिससे ब्रेन ड्रेन भी हमें देखने को मिलता है। इस पर आप क्या मौकफ रखते हैं, होना चाहिए ऐसे मौके यहाँ पर पैदा नहीं करने चाहिए कि स्टूडेंट्स इतने काबिल दिमाग जो बच्चे हैं वो बाहर जाने के बजाय यहाँ पर अपने आप को इन्वेस्ट करें, यहाँ पर अपने जो खदमात हैं वो दें? देखिए जी, दोनों चीज़ें मुल्क के लिए बेनिफिशियल हैं। अगर एक बच्चा मुल्क से बाहर चला जाता है और जाके फेसबुक में, गूगल में या किसी बड़ी कंपनी में, एसेंचर में काम करता है जाके, और पाकिस्तान में वैल्यूबल फॉरेन एक्सचेंज भेजता है, तो वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल है। और अगर वो बच्चा पाकिस्तान में रह के काम करता है, तो वो भी बेनिफिशियल है। हमें जो करने की ज़रूरत है, वो ये करने की ज़रूरत है कि हम हर साल 1 लाख से 2 लाख लोगों को तैयार करें और ऐसे प्रोग्राम्स क्रिएट करें। इस पर यूक्रेन इंडिया ने बहुत मेहनत की है, और वो इस वक्त मिलियंस ऑफ लोगों को तैयार करें, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास एक बहुत बड़ा रिसोर्स पूल है, और इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें जो आपके इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियर्स हैं और जो डिफरेंट इंजीनियर्स हैं, आप उनको भी तैयार कर सकते हैं 6 महीने से साल के कोर्सेज करा के। और क्या है कि अगर वो बच्चा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करके 50,000 की नौकरी के लिए फिर रहा है, अगर उसको 6 महीना साल लगा के ट्रेन कर दिया जाए और वो साल बाद 2 साल बाद लाख रुपए अर्न करना शुरू कर दे, तो ये इससे बच्चे को भी फायदा है और मुल्क को भी फायदा है। तो कोई हमें हर्ज नहीं है, हमें कोई इशू नहीं है। एज एन इंडस्ट्री डेफिनेटली हम चाहेंगे कि लोग हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। मुल्क के लिए ये बेहतर है कि लोग बाहर जाएं और बाहर जाके वो काम करें और एज अ पाकिस्तानी ब्रांड पाकिस्तान का नाम मशहूर करें। आज इंडिया के लोग पूरी दुनिया में बड़ी पोजीशंस पे डिफरेंट कंपनी में हैं, तो वो इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं या इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। और ये अगर पाकिस्तान में होगा और हमारे लोग बाहर जाएंगे और हमारे लोग काम करेंगे, तो वो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और उससे हमें ही फायदा होगा, क्योंकि लोग ज्यादा काम देना चाहेंगे। ठीक है बुरकान साहब, एक अहम चीज़ ये भी है कि सहूलतें कितनी हैं। हम आईटी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, आईटी एक्सपोर्ट्स का जिक्र करते हैं, बड़े फख्र से हम बता रहे हैं, लेकिन सहूलियात कितनी है? हम ऐसे कई सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, उनको देख सकते हैं कि सर्विसज अपनी दे रहे हैं और सिर्फ अपनी ज़रूरत के जो डॉलर्स हैं वो पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं, अकाउंट्स बाहर हैं नहीं लेकर आ रहे हैं, कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। वो कहते हैं कि नहीं, हमें यहाँ पर वो सहूलियात नहीं है, कुछ चेक्स ऐसे हैं कि हम नहीं लाना चाहते हैं यहाँ पर। ये कितना बड़ा मसला है और ये मसला हम हल कैसे कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जी कि सहूलियात पिछले साल तक अगर हम कंपेयर करें जो हमारे जैसे ममालिक हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, उनके मुकाबले में कोई सहूलत पाकिस्तान में आईटी इंडस्ट्री को नहीं थी। उसके बजाय हमें जो है वो नोटिसेस का सामना करना पड़ता था, और हमें नोटिसेस का सामना करने के बाद हमें अभी बहुत सारा इशू ये है कि अभी एग्जेम्पशन गवर्नमेंट ने पिछले साल हमें हमारी एग्जेम्पशन जो एक बेनिफिट था एज़ कम्पेयर टू 10 अदर बेनिफिट जो इंडिया, फिलीपींस और बांग्लादेश में आपको मिलते हैं, वो एग्जेम्पशन ख़त्म कर दी और टैक्स क्रेडिट रिजीम में हमें ले गए। और ये कहा गया कि कोई इशू नहीं होगा, लेकिन जैसे ही माली साल शुरू हुआ, हमें एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट्स इशू होने थे, हमारे बैंक्स ने हमारा 1% पैसे काटना शुरू कर दिए, और 2-3 महीने किसी कंपनी को एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट जो हमारा राइट था लॉ के मुताबिक वो हमें इशू नहीं हुए, अभी तक नहीं इशू हुए। तो उससे ये हुआ कि इंडस्ट्री कंपनी जो हैं वो डेफिनेटली वो एक परेशानी के आलम में थी कि जी ये पैसे हम पाकिस्तान लाएँ या क्या करें। उसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया कि एक पैकेज अनाउंस कर दिया कि हम आईटी इंडस्ट्री को एक स्पेशल पैकेज देते हैं, जो 1-1.5 महीना पहले अनाउंस हुआ, बट वो भी अभी तक ऑन द ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन उसकी ज़ीरो है।
सो इसी तरह स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन जो इंडिया में आईटी स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन इंडिया में पिछले साल से एग्जिस्ट कर रही थी, वो पाकिस्तान में एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोन के नाम से एक और इदारा बनाया गया जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे फोकस करेगा। बट उसमें भी स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट जिस तरह हमारी इंडस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट ना होने के बराबर है, और हमें उसमें हमें बेसिकली नहीं पता कि वो आईटी की डायरेक्शन में जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, अगर आईटी इंडस्ट्री को सहूलियात दी जाएं गवर्नमेंट की जानिब से तो मजीद जो है आईटी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो सकता है और खसूसी तौर पर जो नौजवान काम कर रहे हैं उनको रोज़गार भी मिलेगा अगर मौके पैदा किए जाएंगे, और जो डॉलर्स पाकिस्तान के बाहर पड़े हुए हैं ये नौजवान अपनी मेहनत से कमा रहे हैं वो भी लाने में कामयाब होंगे और पाकिस्तान को ही उसका फायदा होगा। बुरखान सईद साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान।